एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा था इसलिए हमने उन्हें पहले कर लिया था, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें डिवीजन है, आपने डेसिमल को होल नंबर पर डिवाइड करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क सिर्फ अगेन पॉइंट का आएगा कि पॉइंट बेसिकली कहाँ प्लेस किया जाएगा। सबसे पहले आप देखें, सवाल है मेरे पास 97.29 डिवाइडेड बाई 23, और हम अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे, बाहर जो है वो सेकंड वाली वैल्यू को, क्योंकि अगर हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये मेरा न्यूमरेटर बनता है और ये डिनोमिनेटर बनता है। 23, जैसे आप नॉर्मली देखते हो 23 के टेबल में 97 कहाँ पर आता है, अगर 97 नहीं आता तो उसे छोटा नंबर कहाँ पर आता है, हम क्या देखेंगे, 23 को 1 से करेंगे, 23 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भी करेंगे, जब हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 92 मिल जाएगा। डेफिनेटली जब हम इसको 5 से करूँगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए तो हम एक स्टेप बैक आएंगे, हमारे पास आ जाएगा 23 4 92, माइनस करेंगे 7 में से 2 माइनस किया 5। अब क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे लेकर आनी है तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को ऊपर प्लेस कर दूँगी। आपको याद रखना है कि डिवीजन में जब भी आप डिवाइड करेंगे, और आप इसी तरह से करते हैं ना कि जब हमारे पास माइनस करने के बाद छोटा नंबर आता है तो ऊपर से वैल्यू नीचे उतारते हैं, तो जब आप पॉइंट के फौरन बाद वाला कोई नंबर नीचे उतारेंगे तो आप पहले ऊपर पॉइंट लगाएंगे और फिर पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे लेकर आएंगे। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया फिर 2 नीचे आ जाएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46, 2 में से 6 माइनस नहीं होता था तो कैरी ले लिया, 12 में से 6 माइनस किया 6 ये बच गया 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 0 लिखना ज़रूरी नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पे 0 को नहीं लिखा। अगेन ऊपर से नीचे क्या आएगा, 9, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे होगा, कोई फ़र्क कोई डिफरेंस कुछ नहीं है, इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट 3 पे आ गई हूँ, 3 है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अगेन इसमें थोड़ी वैल्यू बढ़ी है इससे मैंने सोचा मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। सवाल है 341.88 और बाहर आ जाएगा 42। अब आप देखें कि मेरे पास ये बाहर जो दो डिजिट है 42 हैं और अंदर के पहले दो डिजिट 34 हैं, यानी कि अंदर वाली वैल्यू दो डिजिट्स के साथ छोटी है तो मुझे थर्ड डिजिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक साथ कितने डिजिट्स यूज़ करूँगी, 3 डिजिट्स यूज़ करूँगी, 341। अब आपने देखना है 42 के टेबल में 341 या फिर 341 से कोई छोटा नंबर कहाँ पर आता है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ग्रेजुअली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हमारे पास 8 पे करने से 336 आ जाएगा। जब आप इसे 9 से करेंगे तो ऑब्वियसली कोई बड़ा नंबर आएगा, आप क्या करेंगे, बैक आएंगे 8 पे, ऊपर लिखेंगे 8, नीचे 336, माइनस करने से मेरे पास आंसर आ गया 5। अब मुझे अगला जो नंबर है 8 वो जो नीचे उतारना है वो पॉइंट के बाद आ रहा है, मैंने क्या करना है, पहले पॉइंट ऊपर प्लेस करना है फिर मैं उस 8 को नीचे लेकर आऊँगी। अगर मेरे पास कोई नंबर, जैसे आप कहते हो ना कि अगर आपके पास कोई नंबर नीचे उतारने के बाद वैल्यू छोटी हो और आपको एक साथ दो नंबर नीचे उतारने हो तो आप 0 लगाते हो, डेसिमल में क्या होता है, अगर आपने कोई भी नंबर पॉइंट के बाद है उसको नीचे लेकर आना है डिवीजन के लिए तो आप पॉइंट को पहले ऊपर प्लेस करोगे फिर उस वैल्यू को नीचे लिखोगे। पॉइंट ऊपर लिखने के बाद 8 नीचे आ गया, 42 माइनस किया तो 16, अगेन ऊपर से नीचे 8 आया, 42 4 जार 168, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 8.14।